हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है भारत की तीन मुख्य खनिज पेटियों के नाम लिखिए तथा संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए। तो भारत में खनिज मुख्यतः तीन विस्तृत पेटियों में केंद्रित है। कुछ भंडार यत्र तत्र एकाकी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये पेटियां हैं उत्तर पूर्व पठारी प्रदेश। तो इस पेटी के अंतर्गत प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व में स्थित छोटा नागपुर, उड़ीसा के पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग आते हैं, जहाँ पेट्रोलियम को छोड़कर प्रायः सभी खनिज पाए जाते हैं, है ना। दूसरा दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम पठारी प्रदेश। तो यह पेटी कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु और केरल में विस्तृत है, फैला हुआ है। यह लोहा, अयस्क और बॉक्साइट में समृद्ध है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज, चूना पत्थर, मोनाजाइट तथा थोरियम यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यह पेटी राजस्थान में अरावली और गुजरात के कुछ भाग पर विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। यह तांबा, जिंक, बालू पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर इत्यादि खनिजों का भंडार है, ठीक है। सो थैंक यू, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो थैंक यू।